Hello friends, welcome once again in my channel. आज हम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है, जो कि कोलकाता का मेरा होम टाउन है। आज यहाँ से हम लोग चलेंगे दुबई। दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल आने वाला है, जो दुबई का शॉपिंग फेस्टिवल हम लोग कवर करेंगे। फिर वहाँ जो अट्रैक्टिव जो प्लेसेस वगैरह है वहाँ भी हम लोग घूमेंगे। तो अभी बस दुबई के लिए निकलने वाले हैं। अभी हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है, कोलकाता एयरपोर्ट में। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, और भी ये सब डायरेक्ट ऑप्शन है। फिर आप एज ए ट्रांजिट तो बहुत जगह से जा सकते हैं। अब अबू धाबी के लिए भी बहुत सारे डायरेक्ट फ्लाइट है, आपका एयर अरेबिया है, आपका एहतियात है। दोस्तों अभी हम एक जायद रोड में है, जो कि दुबई का सबसे फेमस स्ट्रीट में से एक है, जो कि आप हर लगभग जो भी फिल्म इधर पे शूटिंग होता है आप ये शेख जायद रोड देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग हैं, सामने देखिए ABCD मेट्रो और मैक्स मेट्रो है, ये आप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको सामने बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ भी हम लोग चलेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पहुँचा हूँ ये मैक्स मेट्रो में। अभी हम जा रहे हैं दुबई फ्रेम, तो दुबई फ्रेम के लिए यही मेट्रो लेना पड़ता है, ये सबसे नज़दीक है। आगे सामने से शेख जायद रोड, आप देखिए शेख जायद रोड का नज़ारे, और आगे से हम लोग देख पाएंगे, अभी दुबई फ्रेम का भी व्यू देख पाएंगे आगे। ये मतलब हाईवे टाइप है, फ्री वे, यहाँ पे बहुत स्पीड से गाड़ी वगैरह जाता रहता है। ये नज़र आ रहा है सामने सामने दुबई फ्रेम है, और यहाँ पे है आपका वो जो मेट्रो है, इसका नाम है मैक्स। आप मैक्स स्टॉपेज से उतर के सीधा वॉक करते करते आप यहाँ आ सकते हैं, आके दुबई फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। अभी हम दुबई फ्रेम की तरफ चलेंगे। ये दुबई फ्रेम जो है एक पार्क का साथ लगा हुआ है, उसकी जबेल पार्क करके ऐसा कुछ है, ये भी बहुत फेमस है ग्रीनरी के लिए। एकदम शेख जायद रोड से लगा हुआ है, ये देखिए सामने शेख जायद रोड। आज फ्राइडे है, यहाँ छुट्टी वाला माहौल है, फ्राइडे को दुबई में छुट्टी रहता है। आज सुबह से ही मैं घूमने निकला हूँ, कल रात को ही पहुँचा था मैं दुबई, बहुत लेट नाइट हो गया था इसीलिए मैं अपडेट नहीं दे पाया। तो अभी ये दुबई का आज मेरा फर्स्ट डे है, अभी दुबई में देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या देख सकते हैं। उसका बाद फिर हम लोग चलेंगे अबू धाबी, और अबू धाबी से रिटर्न इंडिया। एक सप्ताह के लिए आप लोग का साथ, आप लोग जुड़े रहिए, और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा, इसे लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए। गेट का एंट्रेंस शायद आगे से है, आगे तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी हम दुबई फ्रेम में एंटर कर चुके हैं, फ्रेम की तरफ जा रहे हैं। अभी ये देखिए टिकट जो हमको पड़ा है वो है आपका 52.50, मतलब अब इंडिया में पकड़िए अप्रोक्स इंडियन हो जाएगा, अप्रोक्स आपका 1200-1300 का होगा। तो चलिए देखते हैं कि दुबई फ्रेम में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो कि बहुत सुना है इसका नाम, तो आज दुबई में है तो चलिए देखते हैं। फ्रेम का दुबई फ्रेम का टूर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा टर्न आ चुका है। अभी हम ऊपर जाते हुए, ये आप पीछे देखिए लंबा क्यू है। अभी हमारा टर्न आ गया है तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर से आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो ऐसे क्या नज़ारे हैं, ये नॉर्मली एक म्यूजियम बना हुआ है, जो कि दुबई का पुराना कल्चर को दिखाता है।
दुबई फ्रेम के ऊपर से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए सामने आपको नजर आ रहा होगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा एक ऐसा आइकॉनिक टावर है कि आप दुबई में कहीं से भी क्लिक करो। ये देखिए नीचे मोहम्मद शेख मोहम्मद बिन अल मक्तूम ऐसा कुछ उनका नाम है, उनका पिक्चर बना हुआ है। ये देखिए ऊपर, मतलब यहाँ से आप पूरा 360 देख सकते हो सिटी को, 360 इधर से लेके एकदम वहाँ तक। यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह बना हुआ है, आप जब खाना चाहे तो खा भी सकते हैं। मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा यहाँ तो पोजीशन पे डिमांड करता है, ऐसा जगह में बना हुआ है तो लाजिम है कि कुछ तो महंगा ही होना चाहिए। ये एकदम टॉप का है, एकदम टॉप में है। देखा और क्या ऑप्शन है यहाँ वो भी देखेंगे। ग्लास ब्रिज उपरम का ऊपर ही बना हुआ है। देखिए अभी एंट्रेंस में हम लोग देखे थे कि पहले का पुराना दुबई कैसा था, अभी ये है फ्यूचर ऑफ दुबई, फ्यूचर में दुबई कैसा बनने वाला है इस तरीके का। और ये है फ्यूचर ऑफ दुबई। एंट्रेंस में लोग दिखाया कि पहले का दुबई कैसा था, अभी फ्यूचर में कैसे बनाने वाला है, जो कि उसका भी नज़ारा यहाँ शो करके रखा है। ये फ्रेम का फर्स्ट फ्लोर है। ये एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, अभी बहुत सारा एंट्रेंस में आ रहे हैं। ये एंट्रेंस में ये लोग फोटो खींचते हैं और फोटो का यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह ये लोग करते रहते हैं। जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं भी ले सकता है। ये दुबई फ्रेम का पार्ट इसका फोटो वगैरह। तो जरूरत है बोले, जिसको जरूरत नहीं है बना ले, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ कुछ गिफ्ट सब वगैरह है, यहाँ से कुछ मोमेंटो वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑल आर एंगेज विथ दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम का ही कुछ ना कुछ उसमें रहेगा, इसका इसी का ही है मोमेंटो। किसी अपना फैमिली के लिए दोस्त के लिए ले सकते हैं, टी शर्ट वगैरह भी है। टी शर्ट जो कि मेमोरीज के लिए आप ले सकते हैं ऐसा तो कुछ। ये अभी हम दुबई फ्रेम का एकदम नीचे खड़े हैं। ये देखिए इसका अंडरपास से हम लोग बाहर आए हैं, वो का टूर खत्म हो गया। अभी दुबई फ्रेम का टूर यही तक का। दोस्तों हमारा दुबई फ्रेम का टूर हम यही ख़त्म करते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कुछ डेवलप भी करना है वो भी लिखिएगा,
और अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग का शेयर और सब्सक्राइब से हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो अभी तक का सफर यहीं तक, आज दुबई प्रेम का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं और कहाँ जा सकते हैं। इसका बाद यहाँ से बहुत क्लोज में है दुबई फ्यूचर म्यूजियम, तो हम दुबई फ्यूचर म्यूजियम की तरफ चलेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।